हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। आज मैंने दही बड़े बनाए थे और ये सब कुछ भी बना दिया। जब हम दही बड़े बनाते हैं तो हमें लगता है कि हम जो बाहर होटल में खाते हैं वो वैसा दही हमारे घर पर नहीं बनते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप्स दूंगी। ये चीज़ आप मिला लेंगे तो आपका भी दही वैसा ही बनेगा। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब दही वड़े का दही बनाने के लिए हमें जो दूध है वो गर्म कर लेना है। इतना गर्म करना है कि हमारी उंगली अंदर रह सके। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें एक चम्मच भर कर कॉर्नफ्लोर मिला लेना है। वो अच्छे से मिलाकर उसे दूध में मिला लेना है और इसे अच्छे से दूध में मिक्स कर ले और दूध को हिलाते रहिए ताकि वो नीचे बैठ ना जाए। और उसके साथ एक टेबलस्पून शक्कर भी मिला लेनी है। ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिला ले और फिर ये दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब उसमें एक चम्मच दही अच्छे से मिलाकर ढक के रख दीजिए। ओवरनाइट ये रख देने के बाद सुबह को आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया दही जम जाएगा और उसमें से पानी नहीं छूटेगा। देखिए, ये मेरा दही बन गया है, बहुत बढ़िया बन जाता है। फिर उस दही में हम नमक और जीरा पाउडर मिला लेंगे। ये मैंने दही बड़े के लिए उड़द दाल जो होती है वो भिगो दी थी 3-4 घंटे और फिर मैंने उसे ग्राइंड कर लिया और उसके बना लिए थोड़े से बड़े ऐसे ही और बाकी के बड़े मैंने पिको के ऐसे ही रख दिए। मैंने तेल चढ़ाया था बड़ा बनाने के लिए तो और भी कुछ चीज़ें मैंने फ्राई कर लिए। देखिए, मैंने पिकोए हुए बड़े हैं और उसके साथ ये नगेट जो पड़े थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए। मूँगफली फ्राई कर ली और ये फिंगर चिप्स बनाई थोड़ी सी। मूँगफली भी अच्छी लगती है फ्राई की हुई और ये मुरमुरे ये भी मैंने बना लिए। तो जब हम एक साथ ऐसे किसी काम जो निकल के कर लेते हैं तो बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो मैंने इसमें नमक और जीरा मिलाकर मिलाकर इस पर चटनी, मीठी चटनी, तीखी चटनी सब मिलाकर धनिया डालकर एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।